हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ये सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आता है। डेटा एक्विजिशन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें ये टर्म समझना पड़ेगा, व्हाट इज एक्विजिशन। एक्विजिशन बेसिकली कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, दैट मीन्स किसी चीज़ को कलेक्ट करना, बेसिकली हम क्या उसको बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। एंड डेटा जो है वो हमारी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा एक्विजिशन सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, और मेज़र करते करते हम किसी पेपर पे राइट करते जा रहे हैं, तो बेसिकली उस पेपर पे हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। जो भी हमारा वेदर है उसकी टेम्परेचर को मेज़र करके राइट कर रहे हैं। बेसिकली हम उस वेदर की जो भी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, डेटा एक्विजिशन सिस्टम बोल सकते हैं। सो डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट कलेक्ट, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन। यानी कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अगर हमें फर्दर बाद में कभी उस इन्फॉर्मेशन की नीड होने वाली है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अदरवाइज उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जहाँ पे हमें उस इन्फॉर्मेशन को भेजना है, हम उसे उस इन्फॉर्मेशन को भेज देते हैं, या फिर उससे उसके अकॉर्डिंग जो भी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज टू एक्यूमुलेट द डेटा एंड डू प्रोसेसिंग ओवर दैट। बेसिकली डेटा एक्विजिशन सिर्फ ऑब्जेक्टिव हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इनपुट, फर्स्ट वन इज इनपुट सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अदर फॉर्म ऑफ सिग्नल एंड प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। बेसिकली हमें डेटा एक्विजिशन सिस्टम में इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। और फिर उन इनपुट डिवाइसेस के तो जो हमें सिग्नल मिला है उसको किस में हम कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी हमारी डिवाइसेस होंगी वो बेसिकली जो प्रोसेस करती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक वोल्टेज पे, करंट पे एंड रेजिस्टेंस पे प्रोसेस करेंगी। तो जो हमें इनपुट डिवाइसेस के थ्रू सिग्नल मिलते हैं वो रियल टाइम सिग्नल होते हैं। बेसिकली वो नॉन, मैक्सिमम सिग्नल जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रिकल टाइप के सिग्नल होते हैं। तो उन नॉन इलेक्ट्रिकल टाइप के सिग्नल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल टाइप के सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए जो हम डिवाइस यूज़ करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहे हैं उनको हम अदर फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो, अदरवाइज नहीं। दैट मीन्स अगर हमें इन्फॉर्मेशन लाइक हमें इन्फॉर्मेशन अगर डिजिटल फॉर्म में चाहिए, देन हम उस सिग्नल को, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें एनालॉग फॉर्म में रिसीव हो रहे हैं, देन उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है देन उन सिग्नल को प्रोसेस करेंगे विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आर नेक्स्ट वन इज डेटा एक्विजिशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ और ब्लॉक्स ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ट्रांसड्यूसर, सिग्नल कंडीशनर, डेटा कन्वर्जन, डेटा प्रोसेसिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग। आर फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम इज ट्रांसड्यूसर। बेसिकली ट्रांसड्यूसर को हम डेटा एक्विजिशन सिस्टम में जो यूज़ करते हैं वो डेटा हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। हम सब भी जानते हैं जो ट्रांसड्यूसर होता है वो आपको क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इट कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू वोल्टेज, करेंट, रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। कभी कभी हम ट्रांसड्यूसर के प्लेस पे सेंसर्स को भी हम यूज़ करते हैं। बेसिकली सेंसर्स जो होते हैं वो किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए होते हैं। अगर हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र करना है देन हम किसका यूज़ करेंगे, सेंसर्स का यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास जो सिग्नल्स हैं वो नॉन इलेक्ट्रिकल टाइप के सिग्नल हैं, देन हम अपने डेटा एक्विजिशन सिस्टम में क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसड्यूसर यूज़ करेंगे। और वो ट्रांसड्यूसर उस नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए फाइनली हम यूज़ करेंगे।
हमारी नेक्स्ट डिवाइस है सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट। बेसिकली जो हमें ट्रांसड्यूसर से आउटपुट सिग्नल मिलते हैं वो सिग्नल इतने कैपेबल नहीं होते या फिर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि उनको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए क्या कर सके, यूज़ कर सके। तो जो भी हमारे वीक सिग्नल होते हैं उनको सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए या फिर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उनको रीडेबल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ताकि हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकें, हम किसका यूज़ करते हैं? सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट का यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास वेरियस टाइप के सिग्नल कंडीशनर प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ एम्पलीफायर, फिल्टर, लीनराइजर एंड मॉडिफायर। एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे, दैट मीन सिग्नल के मैग्नीट्यूड को इम्प्रूव करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। फिल्टर, अगर हमारे पास जो इनपुट सिग्नल अवेलेबल हैं उनमें अगर किसी भी टाइप की नॉइज़ अवेलेबल है तो उस नॉइज़ को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? फिल्टर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ लीनराइजर। लीनराइजर का बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं कि जो भी आउटपुट हमें सिग्नल की मिल रही है वो जो हमारे सेल्फ इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप शो करे सिग्नल, वो क्या शो करे? लीनियर शो करे। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उसकी सिग्नल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लीनराइजर बेसिकली जहाँ पे हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे हम सिग्नल कंडीशनर की तरह एज अ लीनराइजर यूज़ करते हैं। मॉडिफायर, मॉडिफायर बेसिकली जो भी हमारे पास इनपुट सिग्नल है उनको मॉडिफाई करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उनको किसको यूज़ करते हैं? मॉडिफायर्स को यूज़ करते हैं। अवर नेक्स्ट डिवाइस मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑल्सो कॉल्ड डेटा सेलेक्टर। Basically, a multiplexer is a device that select between several analog or digital input signal and forward it to a single output line. बेसिकली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम से इनपुट पे ट्रांसड्यूसर या फिर इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, लेकिन अगर जो हम प्रोसेसर्स या फिर कंट्रोलर के थ्रू जो प्रोसेसिंग करेंगे वो प्रोसेसिंग हम क्या करेंगे? ओनली सिंगल सिग्नल पर, पर्टिकुलर एक सिग्नल पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? उन मल्टीपल इनपुट में से पर्टिकुलर एक इनपुट को सेलेक्ट करेगा और उस इनपुट के थ्रू वो क्या प्रोवाइड करेगा? आउटपुट को प्रोवाइड करेगा और उस सिंगल इनपुट के थ्रू उस आउटपुट को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। तो सिंगल इनपुट लाइन को सेलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इट कन्वर्ट एनालॉग इनपुट इनटू द इक्विवेलेंट डिजिटल आउटपुट। जो भी हमें इनपुट डिवाइसेस से इनपुट मिल रही है वो एनालॉग आउटपुट को, जो भी एनालॉग है, एनालॉग सिग्नल है, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसकी नीड क्या होती है? हम जितनी भी डिवाइसेस के थ्रू प्रोसेसिंग करते हैं वो सारी मैक्सिमम डिवाइसेस जो हैं वो हमारी किसके फॉर्म में होती हैं? जो उनको सिग्नल रिक्वायर्ड होता है वो किस टाइप का सिग्नल रिक्वायर्ड होता है? डिजिटल टाइप का सिग्नल रिक्वायर्ड होता है। तो हमें एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए हम एक डेटा एक्विजिशन सिस्टम में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करते हैं। और भी इसके यूजेस हैं, ये इजी टू प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नल को प्रोसेसिंग जो होती है वो ईजी होती है, ईजी ट्रांसमिशन, डिजिटल सिग्नल का साइज कॉम्पैक्ट हो जाता है, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? उसको ट्रांसमिट ईजिली कर सकते हैं, उसका स्टोरेज ईजिली होता है और उसको डिस्प्ले हम ज़्यादा एक्यूरेट वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्प्ले डिवाइसेस। बेसिकली डिस्प्ले डिवाइसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? जो भी हमें डिजिटल सिग्नल मिला है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं न्यूमेरिकल डिस्प्ले एंड पैनल डिस्प्ले। नेक्स्ट वन इज डिजिटल रिकॉर्डर। सपोज हमें जो भी इन्फॉर्मेशन डेटा एक्विजिशन सिस्टम के थ्रू हमने कलेक्ट करी है वो इन्फॉर्मेशन जो हमें अब भी पर्टिकुलर टाइम यूज़ नहीं करनी है, फर्दर यूज़ करनी है, देन हम किसका यूज़ करेंगे? डिजिटल रिकॉर्डर का यूज़ करेंगे। बेसिकली रिकॉर्डर के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डर्स के एग्जाम्पल्स हैं ऑप्टिकल रिकॉर्डर, अल्ट्रा वायलेट रिकॉर्डर, स्टिलस एंड इंक रिकॉर्डर, या फिर हम क्या कर सकते हैं? डिस्क वगैरह में या फिर सीडीज वगैरह में भी हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं।
Finally, this is the block diagram of data acquisition system. As we know, we use हम data acquisition system में use करते हैं transducer, signal conditioner, multiplexer, analog to digital converter and other storage and display devices. Our first device is transducer. तो बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, फर्स्ट कलेक्ट करना है. तो कलेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ट्रांसड्यूसर का यूज़ करेंगे. और फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम किस में सिग्नल उन सिग्नल्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर. देन जो भी ट्रांसड्यूसर की आउटपुट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो सिग्नल की ट्रांसड्यूसर की जो आउटपुट होती है उनके सिग्नल्स बहुत वीक सिग्नल होते हैं, उन सिग्नल्स को हम फर्दर प्रोसेसिंग करने में कैपेबल नहीं होते हैं. तो उन सिग्नल को रीडेबल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए या फिर उन सिग्नल को प्रॉपर प्रोसेसिंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए उन सिग्नल्स को हम किसके थ्रू पास करते हैं, सिग्नल कंडीशनर के थ्रू पास करते हैं. सिग्नल कंडीशनर बेसिकली उन वीक सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे. अब हमें क्या करना है, प्रोसेसिंग करनी है इनपुट सिग्नल्स पे. तो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे जो इनपुट सिग्नल पे हम प्रोसेसिंग करेंगे वो वन बाय वन प्रोसेसिंग करेंगे, एक साथ हम प्रोसेसिंग नहीं कर सकते. तो बेसिकली हम मल्टीप्लेक्सर के थ्रू पर्टिकुलर एक सिंगल इनपुट को सेलेक्ट करेंगे और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, आउटपुट को प्रोवाइड करेंगे. फाइनली जो हमें आउटपुट पर सिग्नल मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, एनालॉग फॉर्म में मिल रहा है. अब डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो होता है वो मेनली टू टाइप का होता है, एनालॉग डेटा एक्विजिशन सिस्टम एंड डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम. अगर हमारा सिस्टम सिर्फ एनालॉग डेटा एक्विजिशन सिस्टम है तो वो जो हमारा सिस्टम होगा वो यहीं पे फिनिश हो जाएगा और जो आउटपुट होगी वो किसके फॉर्म में हमारा प्रोवाइड कर देगा, एनालॉग डेटा के फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा. उस डेटा को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, अगर हमें मेज़र करना है तो मीटर के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, अगर फर्दर यूज़ करना है तो रिकॉर्डर के थ्रू हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. लेकिन अगर हमारा सिस्टम जो है वो डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम है, देन हमें नीड होगी जो भी हमारा एनालॉग आउटपुट है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे. और फिर डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद में हम उसे प्रिंटर्स के थ्रू उसका आउटपुट ले सकते हैं या फिर डिजिटल डिवाइसेस के पे हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. अगर हमें रिकॉर्ड करने की नीड है देन मैग्नेटिक टेप्स के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर ट्रांसमिट करना है देन हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कंप्यूटर के थ्रू उसकी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये था हमारा डेटा एक्विजिशन सिस्टम. थैंक यू एवरीवन.